हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इसके वीडियो की शुरुआत अच्छे और गुड न्यूज के साथ करते हैं कि बहुत ही जल्द सिपाहियों और बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं बेसिक शिक्षा विभाग में हजारों पद पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके तहत 26,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। तो 26,000 जो है वह भर्ती पुलिस विभाग में होगी और बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। तो जो 17,000 पद पे आवेदन आने वाला था वह उतना ही नहीं होगा, इसमें जो पद हैं बढ़ेंगे। प्रदेश पुलिस में 26,210 सिपाही व 172 फायरमैन की भर्ती के लिए विज्ञापन मई के अंत में जारी होगा। तो पुलिस विभाग के विज्ञापन जो है वह मई के अंत में जारी किया जाएगा और जुलाई में परीक्षा होगी। दिसंबर तक अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो इसका पूरा कार्यक्रम बता दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके आवेदन करने के लिए पात्र हैं वह अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस भर्ती के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अप्रैल के मध्य तक पूरी हो जाएगी और फिर सरकार से अनुमोदन लेकर मई के अंत तक विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। तो पुलिस विभाग की जो ये 26,000 पदों पर भर्ती निकलेगी, इसमें 20% जो पद है वह महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 60,000 से अधिक पद रिक्त हैं। 24 दिसंबर को 17,000 अध्यापक भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन 24 दिसंबर को जो है वह 17,000 ही अध्यापक भर्ती की घोषणा की गई थी और पद खाली हैं 60,000 से अधिक। लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और सूत्रों के मुताबिक विभाग मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रहा है और प्रयास है कि नई सरकार में भर्ती के पदों की जो संख्या है वह 17,000 से बढ़ाकर 40,000 से 50,000 तक कर दी जाए। तो इस तरह से जो अब बेसिक में आपकी भर्ती आने वाली है, या मान के चलिए कि 50,000 से ऊपर ही आपकी भर्ती आएगी, तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। छात्र जो है सुपर टेट की तैयारी में लगे रहे, क्योंकि TET का भी अब रिजल्ट जारी हो जाएगा और इसके बाद सुपर टेट के माध्यम से ही बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगला न्यूज है कि PCS का भी 2022 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वह जारी कर दी गई है। अंतिम तिथि 12 अप्रैल है। 250 पदों के लिए मांगे गए हैं आवेदन, तो कुल सीटों की संख्या 250 है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कुल 250 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसमें SDM के 39 पद है। हालांकि पदों की जो संख्या है वह घट और बढ़ भी सकती है, तो बढ़ने के पूरे चांस है। पद आपके बढ़ के लगभग 400 के आसपास हो जाएंगे। अभ्यर्थी 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करके फीस जमा कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे वह 12 अप्रैल आखिरी तिथि है आवेदन करने की और 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना है। आयोग सचिव जगदीश के मुताबिक यदि किसी स्तर पर भी अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसके मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है और साथ ही उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही भी की जाएगी। PCS 2022 के ऑनलाइन आवेदन पात्रों की जांच, यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी की ओर से सबमिट अंतिम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा, शेष आवेदन पत्र निरस्त हो जाएंगे। इस संबंध में अभ्यर्थी की ओर से कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले भी एक पत्नी हो, वह पात्र नहीं होंगे जब तक कि राज्यपाल उक्त शर्त से छूट प्रदान न करें। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित कालम में करें। साथ ही कुछ पदों के लिए विशिष्ट अर्हताएँ भी निर्धारित हैं और अभ्यर्थी आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो विज्ञापन जो है वह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगला न्यूज CTET से संबंधित है कि अब इसका जो अगला विज्ञापन है 2022 का वह अप्रैल में आने की पूरी संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के लिए अधिसूचना जारी करने की योजना बना रहा है। लाकर आपकी जो अगली CTET एग्जाम है उसका अप्रैल में सूचना जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई
तमाम इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए।